गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू योर नेक्स्ट नोटिस, सो प्लीज़ लिसन केयरफुली। अगर कोई बच्चा इस ग्रुप से, इस चैनल से नया जुड़ा है, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ में जो लाइक बटन है वे सब्सक्राइब बटन के नीचे, तो उसको लाइक भी करेगा इस वीडियो को, अगर ये आपको पसंद आते हैं तो लाइक भी करेंगे, और राइट हैंड की तरफ बेल का जो निशान बना हुआ है तो उस पर भी आपने मतलब मार्क करना हो उसको, उस पर प्रेस करना है और उस पर ऑल पे क्लिक करना है भाई, ताकि वीडियो से संबंधित सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। सब्सक्राइब बटन के नीचे एक कमेंट बॉक्स बना हुआ है, तो वहां पर आपने अपना डाउट लिख करके भेजना है वीडियो को देखने के बाद। अगर कोई आपका क्वेश्चन है भाई, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, कहीं से समझ में नहीं आया है, तो आपको डाउट भी अपना लिख करके भेजना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यू आर मानव। आपका नाम क्या है? आपका नाम मानव है या मानसी है। आपका नाम क्या है? लड़का है तो वो अपना नाम क्या कहेगा भाई? उसका नाम क्या है? मानव। और लड़की है तो अपना नाम क्या बोलेगी? मानसी। वर्किंग एज द स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव, और आप काम कर रहे हैं भाई स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, स्टूडेंट्स के प्रतिनिधि के रूप में। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधि। आप बच्चों के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं ऑन द स्कूल डेवलपमेंट कमेटी, यानी जो स्कूल की जो डेवलपमेंट कमेटी है, जो विकास समिति है, तो उसमें आप रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि के, जो भाई बच्चों के प्रतिनिधि के रूप में आप क्या कर रहे हैं भाई? काम कर रहे हैं। द कमेटी इज गोइंग टू मीट नेक्स्ट वीक, यानी जो कमेटी है ना वो अगले सप्ताह, टू प्रिपेयर ए कैलेंडर, वो एक कैलेंडर बनाने की तैयारी कर रही है, एक कैलेंडर को तैयार करना चाहती है ऑफ एक्टिविटी जिसमें सभी क्रियाएं हों फॉर द स्कूल, स्कूल के लिए, फॉर द ईयर, भाई ईयर कौन सा होगा भाई? ईयर जैसे भाई 2020 से 2021 के बीच में जितनी भी क्रियाएं होंगी, तो उसके लिए जो स्कूल है वो क्या करना चाहता है भाई? एक कैलेंडर तैयार करना चाहता है। टू एंश्योर डैट, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, यू प्ले योर रोल, तो आपने अपनी जो भूमिका है ना वो इफेक्टिवली प्रभावी ढंग से निभानी है, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि आप प्रतिनिधि हो स्टूडेंट्स के, तो आपने अपनी जो भूमिका है वो प्रभावी ढंग से निभानी है। एट द प्रपोज्ड मीटिंग, जो आने वाली जो मीटिंग रखी गई है, यू हैव डिसाइडेड, आपने फैसला लिया है, टू इन्वाइट द स्टूडेंट सजेशन, आप बच्चों के सुझाव आमंत्रित करेंगे ऑन दिस सब्जेक्ट, इस विषय के ऊपर, तो राइट ए नोटिस, आपने एक नोटिस लिखना है इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में, इज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, और वो जो नोटिस है वो 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टू बी पुट अप ऑन योर स्कूल नोटिस बोर्ड, और ये आपने नोटिस कहाँ लगाना है? ये नोटिस आपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप सभी बच्चे क्या लिखेंगे, आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर क्या लिख रखा है, स्कूल डेवलपमेंट कमेटी, स्कूल डेवलपमेंट कमेटी, क्योंकि ये जो मैसेज लिखने वाला कौन है, ये डेवलपमेंट कमेटी की तरफ से है भाई, स्कूल डेवलपमेंट कमेटी, किस स्कूल की डेवलपमेंट कमेटी है? सिल्वर ओक्स पब्लिक स्कूल, सिल्वर ओक्स पब्लिक स्कूल। तो अगर स्कूल का नाम नहीं दे रखा है, जैसे आप ऊपर देख रहे हो स्कूल का नाम नहीं दे रखा है, तो आप सभी बच्चे अपने स्कूल का नाम यहाँ पर दे सकते हैं, आप सभी बच्चे अपने किस स्कूल का नाम दे सकते हैं, जैसे आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और मसूरी की जगह क्या दे सकते हो? पानीपत, जो मसूरी दे रखा है, मसूरी की जगह क्या दे सकते हो आप? पानीपत दे सकते हो। तो सभी बच्चे यहाँ पर अपने अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, जिस बच्चे का जो भी स्कूल है वो अपने स्कूल का नाम लिखेगा, और ये स्कूल किस जिले में पड़ता है, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आप लिखेंगे। और एक मैसेज किसके द्वारा लिखा गया है भाई? जैसे यहाँ पर एक लड़की का नाम दिया गया है, नीचे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड की तरफ है, मानसी, तो अगर लड़की है तो मानसी लिखेगी, और लड़का है तो मानव लिखेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले ही जिक्र कर दिया गया है। और ये मानव कौन है भाई? ये स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव है, बच्चों का प्रतिनिधि है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऊपर जो है स्कूल डेवलपमेंट कमेटी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे इसका जिक्र हो चुका है। इसके बाद है भी लेफ्ट हैंड की तरफ आपने डेट लिखनी है, जो नोटिस है तो नोटिस का जो फर्स्ट लेटर है वो आप कैपिटल लिखेंगे, बाकी जो है आप इसको स्मॉल में कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड की तरफ क्या लिखनी है आपने? डेट लिखनी है।
डेट आपने नोटिस के बाद लेफ्ट हैंड की तरफ डेट लिखनी है, जिस डेट को नोटिस लिखा जाता है। मान लो नोटिस आज की डेट में लिखा गया, जैसे 1 जुलाई 2020, जैसे नोटिस आज लिखा गया है तो आज की डेट यहाँ पर लिखनी है। आज की डेट यहाँ पर क्या लिखनी है, 1 जुलाई। तो नोटिस जो है जैसे आज की डेट में लिखा गया है तो आज की डेट यहाँ पर आप लिखेंगे 1 जुलाई 2020। इसके बाद है इट इज़ ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी बच्चों के ध्यान में लाया जाता है डेट द स्कूल डेवलपमेंट कमेटी, यानी स्कूल की जो डेवलपमेंट कमेटी हैज़ टू प्रिपेयर ए कैलेंडर, उसको एक कैलेंडर तैयार करना है ऑफ एक्टिविटीज, जो कि क्रियाविधियों से संबंधित है, जो कि क्रियाकलापों से संबंधित है। एक्टिविटीज क्या होते हैं, क्रियाकलाप, फॉर द स्कूल, स्कूल के लिए, फॉर द ईयर, कौन से वर्ष के लिए भाई, 2020 से लेकर 2021, यानी 2020 से 2021 के बीच के लिए तैयार करना है। द कमेटी इज गोइंग टू होल्ड ए मीटिंग, तो कमेटी जो है एक मीटिंग रखने जा रही है सून, जल्दी ही, टू डिस्कस द कैलेंडर, इस कैलेंडर के बारे में, ताकि चर्चा हो सके। स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड, बच्चों को आमंत्रित किया जाता है, टू गिव देयर यूजफुल सजेशन, यानी वे अपने जो फ़ायदेमंद, जिससे सभी बच्चों को फ़ायदा हो सके, ऐसे सुझाव मेरे को दें रिगार्डिंग एकेडमिक, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो। एकेडमिक किसको कहते हैं, एकेडमिक किसको कहते हैं, शैक्षणिक, चाहे वो शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित हो, कल्चरल सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित हो, स्पोर्ट्स खेलों से संबंधित हो, डिक्लेमेशन भाषण से संबंधित हो, या कोई घोषणा से संबंधित हो। डिक्लेमेशन क्या होता है, भाषण को भी कहते हैं और घोषणा को भी कहते हैं। अदर एक्टिविटीज या जो अन्य क्रियाकलापों से संबंधित हो सकता है। योर सजेशन विल बी डिस्कस्ड, आपके सुझाव जो हैं उन पर चर्चा की जाएगी इन द मीटिंग, मीटिंग के अंदर जो आप सुझाव देंगे तो उन सुझावों के ऊपर मीटिंग में चर्चा की जाएगी। योर सजेशन शुड रीच द अंडरसाइंड विद इन ए वीक, तो जो आपके सुझाव हैं ना वे एक सप्ताह के अंदर नीचे लिखे पते पर पहुंच जाने चाहिए। तो आपके जो सुझाव हैं वे कहाँ पर पहुँच जाने चाहिए, अंडरसाइंड, अंडरसाइंड का मतलब क्या होता है, अंडरसाइंड का मतलब होता है नीचे लिखे हुए पते पर। तो आपके जो सुझाव है वे नीचे लिखे पते पर एक सप्ताह में पहुँच जाने चाहिए। तो भई ये किसने लिखा है, ये मानसी ने लिखा है, लेकिन लड़का होगा, क्योंकि जो बच्चे हैं भाई कोई लड़का हो सकता है, ये तो लड़की है, तो अगर लड़का होगा तो लड़का अपना नाम क्या रखेगा यहाँ पर, मानव, लड़का क्या नाम रखेगा, मानव, ठीक है, तो लड़का अपना क्या नाम रखेगा यहाँ पर, मानव। स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव है मानव, तो स्कूल डेवलपमेंट कमेटी की तरफ से। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे आशा करता हूँ ये जो नोटिस है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चा कोई डाउट है तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लेकर के भेज सकता है। और सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होगा भाई, जितनी वीडियोज अभी तक अपलोड की गई हैं तो वे सभी वीडियोज आप सब्सक्राइब करने से देख सकते हो। साथ में सब्सक्राइब बटन के नीचे जो लाइक बटन है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भी भूलना, पसंद नहीं आता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। इसके बाद है भाई राइट हैंड की तरफ है भाई बेल का बटन दबा हुआ है, बेल का बटन बना हुआ, तो उस पर ऑल पे क्लिक करेंगे ताकि सभी वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वे आपके पास पहुँचते रहें। ओके, थैंक यू।